दिल्ली के लिए अब रवाना हो चुके हैं बीएसपी राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद। तमिलनाडु जाएंगे आकाश आनंद, तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। बसपा प्रमुख मायावती भी चेन्नई के लिए रवाना हुई हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि आर्मस्ट्रांग की अज्ञात लोगों ने हत्या को अंजाम दिया था। शुक्रवार शाम को पेरम्बूर में उनकी आवास के पास उनकी हत्या को अंजाम दिया गया था। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुँचा रहे हैं। बसपा प्रमुख मायावती भी अब चेन्नई के लिए रवाना हो चुकी हैं और राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद भी अब दिल्ली से तमिलनाडु के लिए रवाना हो चुके हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तमिलनाडु जाएंगे आकाश आनंद, दिल्ली के लिए फिलहाल आकाश आनंद रवाना हो चुके हैं। वहां से तमिलनाडु के लिए रवाना होंगे आकाश आनंद। और साथ ही बताया जा रहा है कि मायावती जो सुप्रीमो है बीएसपी की, वो भी अब चेन्नई के लिए रवाना हुई हैं। तो बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग के अज्ञात लोगों ने हत्या को अंजाम दिया था। उनके आवास के पास ही उनकी हत्या को अंजाम दिया गया था। तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष थे बीएसपी की तरफ से। उनकी हत्या के बाद अब फिलहाल आकाश आनंद की तरफ से पुष्पांजलि अर्पित आज की जाएगी जब तमिलनाडु पहुंचेंगे, और साथ ही उनके परिजनों से मुलाकात भी की जाएगी। मायावती बीएसपी सुप्रीमो भी अब रवाना हो चुके हैं चेन्नई के लिए। ये जानकारी सामने आ रही है। तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे आकाश आनंद। दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं उत्तर प्रदेश से, और उसके बाद दिल्ली से तमिलनाडु के लिए रवाना होंगे आकाश आनंद। अवनीश कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। अवनीश, के आर्मस्ट्रांग की अज्ञात लोगों ने जब हत्या को अंजाम दिया, उसके बाद अब आकाश आनंद और मायावती दोनों ही अब तमिलनाडु के लिए रवाना हो चुके हैं। सबसे पहले आकाश आनंद दिल्ली के लिए रवाना हो, उसके बाद तमिलनाडु पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, देखिए तरीके से तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग की हत्या हुई, उसको लेकर मायावती ने नाराजगी जताई और आज वह तमिलनाडु जा रहे हैं जहाँ पे उनके आवास पर पहुंचकर वह श्रद्धांजलि देंगी। और साथ ही वह ये भी मांग करेंगी कि उनकी जो हत्या हुई है उसके पीछे पूरी तरह निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसको लेकर प्लान वह बना चुकी थी और इसी को लेकर एक ट्वीट भी उन्होंने किया था, जिसके माध्यम से उन्होंने इस पर सख्ती से कार्रवाई करने और आगे से ऐसी कोई घटना न हो उसको रोकने की भी अपील की थी। तो इसी को लेकर माना जा रहा है कि आज बसपा मुखिया मायावती के साथ नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भी चेन्नई जो है वो रवाना हो रहे हैं और दोनों पहुंचकर वहां पे श्रद्धांजलि देंगे, क्योंकि हत्या के बाद वहां पर प्रदर्शन देखने को मिला था, उग्र प्रदर्शन देखने को मिला था। उसके बाद मायावती ने इस पूरी घटनाक्रम की निंदा की थी, उस पर कठोर जो कार्रवाई करने के लिए उन्होंने मांग की थी और इसी को लेकर आज वो जब पहुंचेंगे तो एक बार फिर से वो मांग करते हुए दिखाई देंगे और परिवार के जो लोग हैं उनसे वो मुलाकात करेंगे।